अपराधियों को संरक्षण देने का वाली सरकार कहलाती थी। विपक्ष का काम ये बोलना, लेकिन सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है। बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है, अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला जो है अब दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को जिस तरीके से अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद से सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सवाल दाग रहा है, उन पर जो है हमला बोल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बयान आया है। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले पर अब उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और सुशील मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि अपराधियों को वो चाहे जहां भी छिपे होंगे उनको पकड़ के ले आया जाएगा। बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी और उसे सजा देगी। साथ ही साथ और क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी रुपेश सिंह हत्याकांड पर, सुनिए आप इस वीडियो में। उनकी हत्या बहुत दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसलिए आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना व्यक्त करूँगा और डीजीपी से भी मैंने बात किया है। सभी पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हैं। सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है, अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। महाजंगल राज बोला जा रहा है। चलिए, विपक्ष का काम ये बोलना, लेकिन मैंने कहा कि सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से लगी है। देखिए, इस सरकार की खासियत ये है कि ना हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। सर, कांग्रेस का कहना है जो जंगल राज वाली सरकार थी वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। आखिर शहाबुद्दीन को किसने संरक्षण दिया? शहाबुद्दीन जैसे लोगों को संरक्षण देने का वो काम करती थी, इसलिए वो जंगल राज वाली सरकार कहलाती थी। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधी कहीं भी छिपे होंगे तो उन्हें वो ढूंढ निकालेगी और बकायदा कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है। इवन नीतीश कुमार ने भी ये बात कह दी है, जो पुलिस विभाग को ये अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। और उसको लेकर भी जो पुलिस विभाग है वो सचेत हो गया है और सीएम के निर्देश का पालन भी किया जा रहा है। और इसी बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपना बयान दिया और उन्होंने भी कहा है कि रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में जो भी अपराधी होंगे पुलिस उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देगी। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज के साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।